नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस और जनता कर्फ्यू। हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता कर्फ्यू का आग्रह किया गया है। कल 22 तीन 2020 को सुबह 7 बजे से लेकर तो रात को 9 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा। इसमें हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पर रहना है। हमें सुबह 7 बजे से लेकर और 9 बजे तक घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। डोर घर के डोर बेल अगर कोई बजा भी रहा है तो अगर किसी की फ़ोन कॉल आती है बहुत इमरजेंसी तभी हमें अपना डोर खोलना है, नहीं तो हमें अपना घर का डोर बेल डोर नहीं खोलना है। हमें शाम को 5 बजे जो मोदी जी ने बोला है कि थाली डोल या गाना, आपके पास स्पीकर है माइक है तो आप गाने बजा सकते हैं, स्पीकर लेके माइक लेके आप गाना गा सकते हैं, क्योंकि साउंड से एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है जो कि हमारे पूरे एनवायरनमेंट में पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होगी। हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो आज हमारे लिए भगवान के रूप में, हमारे जितने भी लोगों को कोरोना वायरस हुआ है जो इसे सर्वाइव हुए हैं, जिनको सिम्टम्स हो गए उनके लिए 24/7 हमारे डॉक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमें उनको इस तरह से थैंक्स बोलना है। ये मोदी जी की बहुत ही अच्छी पहल है। हमें आज की जो ये सिनेरियो चल रहा है इसमें हमें अपनी सरकार की साथ चलना है। सरकार ने जो निर्देश दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहो, घर से बाहर ना निकलो, जनता कर्फ्यू का सभी लोग पालन करें, सब लोग अपने घर में रहें, बहुत अच्छा टाइम है, आप घर में रहिए, फैमिली टाइम स्पेंड करिए, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। कहते हैं ना कोरोना वायरस का ऐसा है कि अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो 13 से 14 घंटे, तो 12 घंटे में ये वायरस अगर लिफ्ट में है, डोर में लगा हुआ है या किसी भी पब्लिक जगह पर कहीं भी, तो वायरस अपने आप चला जाएगा। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक तो हम बाहर जाएंगे नहीं, फिर हम 9 बजे क्यों बाहर जाएंगे, रात के 9 बजे इंसान क्यों ही बाहर जाएगा, नहीं जाएंगे। मतलब 80% लोग रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे, फिर वो अगले दिन सुबह 6 बजे तक नहीं निकलेंगे, तो 24 घंटे का ये जनता कर्फ्यू हो जाएगा। मोदी जी ने बहुत ही प्लानिंग के साथ ये चीज़ करी है, ये हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो हम घर से बाहर ना निकले। इस 12 घंटे का तो एक टाइमिंग है कि वायरस चला जाएगा, और 9 बजे के बाद भी हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब ये वायरस पूरी तरह से चला जाएगा। और ये चीज़ सिर्फ एक दिन की नहीं है कि 22 तारीख को हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें आने वाले 1 महीने तक के लिए हमें कोशिश करनी है कि अगर हमें कोई काम नहीं है तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, फैमिली गैदरिंग में नहीं जाना है, पार्टीज में नहीं जाना है, मॉल नहीं जाना है, मूवी नहीं जाना है। मूवी देखनी हम लैपटॉप पे देख सकते हैं, फ़ोन में देख सकते हैं, फ़ोन में एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, घर में गाने बजा सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम कर सकते हैं। घर में फैमिली मेम्बर्स को बुला के भी हमें हाउस पार्टीज नहीं करनी है, क्योंकि हम हाउस पार्टी करें, मेरे फ्रेंड्स आए, मेरे फैमिली मेम्बर्स आए, मेरी सिस्टर आए, मेरे ब्रदर्स आए, वो 10 लोगों से और मिले हैं, वो किन से मिले हैं, तो वायरस तो एक ये बीमारी तो ऐसी कि एक दूसरे से कनेक्शन से होती है, तो हमें दूर रहना है, आइसोलेशन में रहना है, जिससे कि ये वायरस धीरे धीरे चला जाएगा। और अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स लगते हैं तो सरकार द्वारा कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप ऑनलाइन जैसे ही डालेंगे पूरी हेल्पलाइन नंबर की लिस्ट आपको निकल के आ जाएगी, आप उससे आप वहाँ कॉन्टेक्ट करके अपने टेस्ट करवा सकते हैं। तो मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि 22 तीन 2020 को सुबह 7 बजे से लेकर तो रात को 9 बजे तक आप सभी लोग अपने घर में रहें, घर के अंदर रहें, बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। इस महामारी से बचने के लिए हम सभी को यह करना ही पड़ेगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग कोरोना वायरस से अपने आप को बचा सकें। नमस्कार दोस्तों।